हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। और मैं हूं आपकी एजुकेटर रचना अग्रवाल। सो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे साथ है नेहा भंडारी, जिन्होंने इस बार फेब एग्जाम जो 2023 का था उसमें उन्होंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है विथ 99.64%। मतलब आप समझ सकते हैं, बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपने आप में। तो आज हम जानेंगे नेहा भंडारी ने किस तरह से इतना अच्छा रिजल्ट अचीव किया है, उनकी सक्सेस स्टोरीज के बारे में समझेंगे हम, उनकी लर्निंग स्ट्रैटेजीज को समझेंगे। एंड आई होप कि आज के सेशन से आप सभी लोग मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाए। तो यस, वेलकम नेहा, वेलकम टू दिस इंटरव्यू सेशन। नेहा, आप अपने बारे में बताइए पहले लर्नर्स। हेलो मैम, माय नेम इज नेहा। आई जस्ट क्वालिफाइड नेट विद 99.64%। मैम, बिफोर आई स्टार्ट आई वांट टू थैंक यू। एक्चुअली थैंक यू फॉर मैम, बिकॉज दिस ये जो हुआ नेट, ये आप ही की वजह से हुआ। दिस इज माय थर्ड अटेम्प्ट। एक्चुअली लास्ट टू अटेम्प्ट आई मिस माय नेट विद 4 or 5 marks, बट दिस टाइम आई क्वालिफाई। सो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज बिफोर आई स्टार्ट, अभी मैंने 2-3 वीडियो देखा था, तो आई जस्ट दिसंबर में इन द लास्ट, तो मेरे दिमाग में बस ये था कि इस बार नेट क्लियर करना है। तो देन आई फाउंड योर वीडियो ऑन यूट्यूब एंड दैट्स फाइनल। तब ये लगा था बस अब मुझे ये ऐप खरीद करना है, इस ऐप से करना है मुझे। तो थैंक यू मैम। अरे वेलकम वेलकम नेहा, आप जैसे स्टूडेंट्स जो इतने रेगुलर रहते हैं ना, उनको पढ़ाने में हमें भी बहुत अच्छा लगता है। सो वेलकम। और नेहा, ये बताइए कि आपने पेपर वन की प्रिपरेशन कैसे की, क्योंकि देखिए पेपर वन में भी 10 यूनिट्स है और हमारे एजुकेशन यस के मैम, बच्चे ना पेपर वन से ज्यादा डरते हैं। तो पेपर वन में आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी, फिर आप पेपर टू के बारे में बताइएगा। एग्जैक्टली आई डोंट हैव एनी स्ट्रेटेजी इन पर्टिकुलर, बिकॉज फर्स्ट चैप्टर ही इंडियन लॉजिक है, जो मुझे बहुत पर्सनली मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता है। एंड देन फिर थोड़ा बहुत तो हो जाता है। तो जब मैंने आपका पहला वीडियो देखा था वो इंडियन लॉजिक में, और मुझे एक्चुअल में समझ में आया था, देन वही रीजन है कि मैंने, ठीक है, मैंने जे आर एफ अड्डा में एनरोल किया था, बिकॉज मुझे वो इतना क्लियर समझ में आया था। मुझे लगा था कि जो इंडियन लॉजिक पढ़ा सकता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। तो एक ये रीजन है कि मैंने जे आर एफ अड्डा में एनरोल किया था, क्योंकि मुझे इंडियन लॉजिक बहुत अच्छा लगा था, और एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आए थे और वो मेरे सारे सही थे। तो इंडियन लॉजिक हो गया, और मैथमेटिकल रीजनिंग मेरा एक प्लस पॉइंट है मेरा, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन मैंने साइंस से किया है, तो वो मेरा प्लस पॉइंट था। एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपने हेल्प करा था लास्ट टाइम पे, एग्जाम से कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने, मतलब 1-2 हफ्ते पहले हम लोगों ने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट किया था। तो एग्जाम में 15 क्वेश्चन में मेरे 14 क्वेश्चन करेक्ट थे, एक क्वेश्चन वाह, में थोड़ा डाउट था। तो ये मेरा, मतलब ये मेरा प्लस पॉइंट था। मुझे लगता है कॉम्प्रिहेंशन और इंडियन लॉजिक मेरा प्लस पॉइंट हो गया। वेरी गुड वेरी गुड। और कहते भी है ना कि इंडियन लॉजिक है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, अगर इसमें आपने अच्छे मार्क्स ले आए तो जेआरएफ, मतलब वो एक रेस में आप आ जाते हो, नेट और जेआरएफ के रेस में। यस मैम, एक्चुअली अगर आप सेकंड सब्जेक्ट जो आपका एजुकेशन है सब्जेक्ट आई मीन, अगर उसे कर लेते हो तो आपका नेट है, पर अगर आपका फर्स्ट पेपर में अगर अच्छी, मतलब आपकी है पकड़, तो आपका जेआरएफ क्लियर है। जेआरएफ क्लियर ऐसा है, मैंने अभी तक मैंने नोटिस कर दिया, इस एग्जाम में मुझे क्लियर हो गया। बिल्कुल 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 100% सही बात बोल रहे हो, क्योंकि पेपर टू तो फिर सब सारे एजुकेशन वाले बच्चे करते ही हैं, लेकिन आप अलग कैसे यस हो मैम, जाओगे पेपर वन के कारण, है ना। यस मैम, यस यस नेहा, अब ये बताइए नेहा कि जो 3 घंटे आप होते हैं ना, जो क्रूशियल 3 घंटे होते हैं एग्जाम के, यस मैम, तो उसमें तुमने कैसे टाइम को मैनेज किया, क्योंकि बच्चों के सबसे ज्यादा डाउट्स इसी में होते हैं कि मैम पहले क्या अटेम्प्ट करें हम, और हमारे 3 घंटे जो है ना, वो टाइम मैनेजमेंट तुमने कैसे किया, वो थोड़ा समझाइएगा। मैम पर्सनली मुझे जो पेपर वन है मुझे थोड़ा इजी लगता है, पर मेरे मार्क्स नहीं है वो बात अलग है, पर मुझे इजी लगता है। हाँ पर पेपर टू में ये है कि अगर आपको आता है तो आप या तो ऑप्शंस में टिक करोगे और आगे बढ़ोगे, ज्यादा उसमें सोचने वाला होता नहीं। पेपर वन आपका टाइम लेता है, ज्यादा से ज्यादा टाइम लेता है। मैम नेहा वीडियो, नेहा हाँ यस यस तो यस यस मैम पेपर वन आपका ज्यादा टाइम लेता है, क्योंकि उसमें डीआई हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, उसमें आपको करना पड़ता है पेपर। तो पहले मैंने मैम पेपर टू अटेम्प्ट किया था और वो मेरा हो गया था, मतलब 1 आवर में वक्त मेरा हो गया था पेपर, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम लगा था। बस इसमें जिसमें मैं श्योर थी, मैंने पैराग्राफ करा, क्योंकि उसमें मुझे ये था कि ठीक है पैराग्राफ को पहले करना है, वो तो श्योर है कि वो मार्क्स मिलेंगे मिलेंगे।
देन फिर मैंने अटेंड किया एंड देन लास्ट में मैंने पेपर वन स्टार्ट किया, उसमें भी मैथमेटिकल और डीआईओ मैंने लास्ट में करा, क्योंकि डीआई बहुत कंफ्यूजिंग था बहुत ज्यादा, कि आपने उस जब अपने मॉक करते हुए आपने मतलब जब हम वन शॉट रिविजन करते थे तो आपने बोला था कि डीआई में मत पढ़ना पहले, क्योंकि डीआई बहुत टाइम कंज्यूमिंग, और वो था एक्चुअल, क्योंकि डीआई में 5 क्वेश्चन थे, 2 तो मेरे आगे थे और 3 मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा था, फिर वो हुआ भी नहीं था, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम दिया था, तो वो डीआई मैंने लास्ट में अटेम्प्ट किया था, और सबसे पहले मैंने पैराग्राफ किया था पेपर वन में एंड देन क्वेश्चन हो रहे थे, पर डीआई लास्ट मतलब गुड, मतलब अगर मैं समराइज करूं तो आपने भी पेपर टू पहले अटेम्प्ट किया और उसमें भी रीडिंग था। यस मैम कॉम्प्रिहेंशन पहले, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है बिल्कुल वो अक्सर आपको पूरे मार्क्स दे जाता है, और फिर उसके बाद ये आपने समझ पेपर लो, वन, श्योर है उसमें। हाँ श्योर रहता है, फिर उसके बाद आपने पेपर वन किया और देन लास्ट में उसमें भी डी आई है ना। ओके यस मैम ओके वेरी गुड नेहा। नेहा आप कुछ, क्योंकि देखिए आप सभी जानते हैं नेहा सिर्फ 0.03 परसेंटाइल से रह गई है JRF, और पूरी श्योरिटी है कि जून में नेहा का के हाथ में JRF आना ही आना है, ये कंफर्म है, यस क्योंकि मैम बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट है ये अपनी मेहनत में। तो नेहा कुछ टिप्स देना चाहोगी क्या नेहा, कि जैसे कई लोग ऐसे हैं जिनका JRF रह गया है, कुछ थोड़े मार्क्स से रह गए, तो अभी तुम उस पर कैसे वर्क कर रही हो? मैम एक्चुअली मैंने जब आप वन शॉट रिवीजन कराते थे तो मैंने एक चीज नोटिस किया था नेहा क्लियरली वीडियो, कि नेहा वीडियो एक बार थोड़ा देख लीजिएगा। मैम वीडियो मैम हाँ अभी सही है, यस 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 जब आप वन शॉट रिवीजन कराते थे तो उसमें एक्चुअली मैं कभी कभी क्या होता है कुछ बच्चे बहुत मैं क्वेश्चन रीड भी नहीं करती थी और तो बच्चे आंसर कर देते थे, तो कहीं ना कहीं मुझे अफेक्ट करा, तो मुझे लगा नहीं यार नहीं हो पाएगा मुझसे, क्योंकि जल्दी जल्दी तो बच्चे आंसर दे रहे हैं, तो मैंने उस चीज को पहले साइड रखा, मैंने कहा ठीक है लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़ने हैं, और कहीं ना कहीं वो मुझे हेल्प करा, क्योंकि आप जब वन शॉट रिविजन कराते थे आप चारों ऑप्शन बताते थे, आप सिर्फ आंसर नहीं बताते थे, तो मेरे ये था कि जो मेरे फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट जो मेरा रह गया था वो आपने मेरा क्लियर करा थर्ड उसमें, थर्ड उसमें मेरा ये हो गया था कि जो क्वेश्चन रह गए थे जो या फिर मुझे कुछ ऐसे टॉपिक थे जो मेरे रह गए थे वो आपने क्लियर कर दिए साथ में, तो वो मेरा एक नोट तैयार हो गए थे, तो वो कहीं ना कहीं मुझे हेल्प करा, तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, इवन मैंने किया था जो मेरे फर्स्ट टू अटेम्प्ट थे, चारों ऑप्शन रहेंगे सिर्फ ऑप्शन को पढ़ना है उसके अलावा मैं साइड कर देती थी नेक्स्ट, तो मेरे ऑप्शन क्लियर नहीं होते थे, लेकिन इस बार आपने चारों पॉइंट जो करवाए तो इसमें मेरे मतलब ये था कि एक क्वेश्चन हो रहा है प्लस चार जो और टॉपिक है वो भी मेरे क्लियर हो रहे हैं, बिल्कुल तो इसमें बिल्कुल एक हेल्प हुई है, और मैम सेकंड ये हुआ है PYQ हेल्पफुल रहते हैं, लेकिन अब क्या है PYQ थोड़ा ना कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, एक जैसी लैंग्वेज नहीं रहती है, अब आपके आप क्वेश्चन घुमा देते थे, ये अगर हम नॉर्मली एक बार क्योंकि इतने क्वेश्चन हम पढ़ चुके होते थे ना तो पता रहता था अगर ये क्वेश्चन है तो हमें टिक करना है, लेकिन आप जब वो नॉट वाला ऑप्शन लगा देते थे ना तो हम मोस्टली हम गलत करते थे, मेरे तो सारे ही गलत रहते थे वन शॉट में, तो कहीं ना कहीं इसमें हेल्प मिली है कि हाँ ठीक है क्वेश्चन अब ध्यान से पढ़ रहा है, तो एक इसमें हेल्पफुल हुआ है, और थर्ड मुझे जो ज्यादा मुझे हेल्पफुल लगा है वो ये है कि कोई भी चीज पढ़नी है ना थोड़ा डीपली पढ़नी है, ऐसा ऊपर ऊपर नहीं पढ़ता है, क्योंकि इस बार जो पेपर आया था वो बहुत ज्यादा डीप था, मतलब बहुत डीप मैं है। बोलूंगी डिफिकल्ट तो नहीं था, डिफिकल्ट नहीं था एक्चुअली डीप था, बिल्कुल बिल्कुल तो सही मुझे बात। ये हेल्प किया। इस बार सारे बच्चे यही कह रहे थे कि जो क्वेश्चन आए, मतलब देखो जितने भी बोलते ना थोड़ा डीप में जो पढ़ लेते हैं ना उनको समझ में आ जाता है कि कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है, बस वो उसी यस टॉपिक के मैम अंदर जाके पूछते हैं, है ना। और जो आपने बोला यस कि एक ऑप्शन हम करके सोचते चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रिपरेशन हो गई, पर बाकी जो तीन है ना वो अगली बार वो उसी तीन में से पूछ लेते हैं, कई बार ऐसा देखा गया है यस घुमा मैम फिरा के। यस मैम ये रहता है, और फिर वही हमें डिफिकल्ट लगता है कि ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया, लेकिन वो रहता नहीं। रहता नहीं है। थैंक यू सो मच नेहा, थैंक यू सो मच। अब ये बताइए कि आप अपने फ्यूचर में, जैसे अभी तो आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है और ये बहुत मतलब बोलते ना यस सिक्स मैम परसेंट वाले कैटेगरी में हो आप, तो अब JRF की यस मैम प्रिपरेशन चल रही है आपकी, साइड बाय साइड आप कुछ सोच रहे हो या फिर JRF क्लियर करने के बाद ही कुछ करोगे? मैम एक्चुअली अभी मेरा कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से तो अभी तो मेरा मेन टारगेट JRF ही है, देन ठीक उसके बाद है मेरा, अभी तो मैं नहीं सोच सकती अभी। हाँ ठीक है, तो मतलब JRF के बाद रिसर्च लाइन में ही आपको जाना है। यस मैम अच्छा आप बेसिकली कहाँ से हैं नेहा? मैम एक्चुअली मैं उत्तराखंड से हूँ ऋषिकेश। अरे क्या बात है, पूरे ऋषिकेश से हो आप, सही है नेहा, यस मैम ऋषिकेश से। वाह वाह, तो ऋषिकेश यस आएंगे तो आपके यहाँ जरूर आएंगे नेहा।
यस मैम, मैम बिल्कुल। ओके, तो थैंक यू सो मच नेहा. और कुछ आप टिप्स देना चाहते हैं लास्ट में लर्नर्स को अपनी तरफ से? मैम यही कि मोस्टली ये लोग कहते हैं ना कि आपको 4 या 5 घंटे पढ़ने हैं, तो मुझे जो पर्सनली लगा है कि कोई ऐसा आइडियल टाइम नहीं होता है, आपको जब टाइम लगे आप पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि मोस्टली जो इवन हमारे बैच में है, जो हमारा 11 बड्डा का बैच है, उसमें ये कि मोस्टली मैरिड है, कुछ कॉलेज वाले हैं, तो इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप कंटिन्यू, आपको 4 और 5 आवर्स मिल रहे हैं। तो जैसा कि मतलब ये होता है कि आपको अगर टाइम मिल रहा है, जितना टाइम मिल रहा है, क्या 1/2 आवर मिल रहा है, 1 आवर मिल रहा है, उसी में कर लो। ऐसा कोई फिक्स टाइम कभी भी नहीं मिलेगा कि 4-5 घंटे आपको लगातार मिलेंगे, तो वो 1/2 आवर में ही पढ़ लो तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर हम वेट करते रहेंगे कि जब 4-5 घंटे मिलेंगे तो नहीं हो पाएगा। मतलब आपने कोई फिक्स ऐसे टाइम टेबल ऐसा नहीं रखा है, मतलब जब टाइम मिल जाए पढ़ लो भाई. यस मैम, टाइम टेबल एक्चुअली एक दिन फॉलो होता है, दूसरे दिन ना, क्योंकि मैम हम फैमिली में रहते हैं तो कुछ ना पड़ जाता है काम, तो बिल्कुल. ऐसा फिक्स टाइम नहीं हो पाता कि हम कोई 5 घंटे बैठे आराम से। तो मोस्टली मेरा रहता था, मैं रात को पढ़ती थी तो मुझे सही लगता था, फिर मॉर्निंग में नहीं उठा जाता, मतलब मॉर्निंग में फिर और भी काम रहता है, लेकिन यह कोई फिक्स टाइम नहीं रहता है। थैंक यू सो मच नेहा, आपसे बात करके इतना अच्छा लगा है ना, बहुत अच्छा लगा रियली में. एंड आई होप कि हमारे लर्नर्स भी आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि एजुकेशन सब्जेक्ट में बोलते हैं ना, नेट क्लियर करना, JRF क्लियर करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है. सो थैंक यू सो मच नेहा, एंड आई होप आप सभी को नेहा की सक्सेस स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. थैंक यू सो मच एवरी मैम वन. मेरा एक क्वेश्चन भी आता है हाँ बोलिए 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 नेहा. मैम, क्योंकि आप हमसे क्वेश्चन पूछते रहते हो ना, मेरी बारी। अच्छा ठीक है, मैम पूछिए. एग्जैक्टली मैम, डिप्लोमेटिक आंसर नहीं देना, एग्जैक्टली हाउ डज इट फील, आई मीन इट्स योर फर्स्ट बैच एज अ एजुकेटर, हाउ डज इट फील कि आपके मतलब स्टूडेंट का नेट और बहुत सारा JRF क्लियर हो गया, एग्जैक्टली फीलिंग क्या रहती है? अरे नेहा, मैं मेरे चेहरे से नहीं दिख रहा, मैं ऐसे फूलती जा रही हूँ, चमकती जा रही हूँ. मुझे रियली में बहुत अच्छा फील होता है. बताए कि आप एजुकेटर बने हैं. मैं खुद भी स्टूडेंट थी, पिछले साल तक मैं यस भी मैम, स्टूडेंट ही थी, और इस साल जो है वो एजुकेटर की जर्नी स्टार्ट हुई है. और 3-4 महीने की मेहनत में तुम लोगों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया है, और बहुत सारे यूट्यूब के भी एजुकेटर्स हैं जो मतलब हमारे पेड ऐप में नहीं है बट यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, और उनके भी जो रिजल्ट आए हैं, मैसेजेस आए हैं, बहुत रियली में एक मतलब एक क्या बोलूँ मैं आपको, एक बोलते ना कहते हैं ना, टीचिंग एक बहुत नोबल प्रोफेशन है. वो यस जो मैम, ये इस वर्ड की वैल्यू पता चलती है जब बच्चे बोलते हैं मैम आपके कारण JRF क्लियर हो गया, मैम आपकी ये क्लास देकर, जैसे आपने बोला कि मैम इंडियन लॉजिक क्लियर हो गया, ये मतलब एक अपने आप में ना क्या बोले, अगर स्टार लगाना होता तो खुद ही लगा लेते स्टार. मैम पर इन माई केस एक्चुअली जो मेरा रीजन था कि मुझे एनरोल करना है किसी ऐप से, क्योंकि मुझे गाइडेंस चाहिए। ठीक है, अभी तक मेरा जो मैंने फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट किया था, मेरा ये था, मुझे कोई बिगनिंग नहीं पता थी और ना एंड, बस पढ़ रहे थे पढ़ रहे थे पढ़ रहे थे, पता नहीं था कि क्या पढ़ना है एग्जैक्टली और कितना पढ़ना है, कहाँ से आता है। तो मेरे लिए JRF अड्डा में जो आपने हेल्प किया है वो ये था कि मुझे पता चल गया था कि मुझे कितना पढ़ना है और क्या इम्पोर्टेंट, यस में मुझे हेल्प मिला है। तो ये कि ये गाइडेंस में ये हो जाता है मैम, पता चल जाता है, नहीं तो मुझे मैंने फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट, मुझे पता मैंने सिर्फ पढ़ा है और मुझे ये नहीं पता वो कितना इंपॉर्टेंट था। मैंने बुक पढ़ना स्टार्ट किया कोई भी, क्योंकि कोई पर्टिकुलर बुक तो होता नहीं है, कोई होता अलग नहीं. अलग बुक होती है, हाँ, और मैंने स्टार्ट करा, मैंने पूरा पढ़ा है, और जबकि उसमें से बहुत कम आते थे, क्वेश्चन भी नहीं आते थे। लेकिन मुझे मैंने जब JRF अड्डा में एनरोल किया था, बिकॉज क्योंकि मैंने जब उसका फर्स्ट सेशन देखा था मतलब यूट्यूब में, और मुझे लगा था इंडियन लॉजिक सबसे टफ है, और जो इस चीज को पढ़ा सकता है मुझे लगता है वो सारे पढ़ा देगा। तो मैंने जब पहला आपका लेसन किया था, मैंने तभी एनरोल किया था, हाँ और नेहा, मेरे लिए वो एक्चुअली में मुझे वो अच्छा, मुझे फिर मैंने उसमें एजुकेशन में मैंने दिसंबर में मैंने ज्वाइन कर लिया था, तो यस, एक्चुअली मुझे वो बहुत हेल्प किया। तो मैम थैंक यू। अरे वेलकम वेलकम सो मच वेलकम. और नेहा मैं तो कहती हूँ ना, तुम लोग मेरे बच्चों जैसे हो यार. मतलब तुम लोगों का अगर अचीवमेंट आता है ना, तो ये हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात हो जाएगी. तो थैंक यू सो मच नेहा, यस आपसे मैम, बात करके बहुत अच्छा लगा. और थैंक यू यस मैम। थैंक यू सो मच.